Hello students, welcome to all of our subject academy online classes. Today we are going to study about the production possibility curve, and this is the part second of the lesson Central Problem of an Economy. Before starting this lesson, let me tell you what we have learned in previous class. In previous class we had learned about what is economy, a problem, and how does it arise, and how economic problems are solved in different types of economy. Today we shall learn a central problem of an economy. This is an introductory image, and here look what it is given. It is given the different aspects of production possibility curve. So let's start one by one. First, production possibility set and schedule. What is production possibility set? Production possibilities. It means the name indicates production possibility. Production possibility hai kya means production karne ki different possibility hai kya. First, production possibility set refers to the different possible combination of two goods that can be produced from a given amount of resources and a given level of technology. Means अगर आपको रिसोर्सेज दिए गए हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी दिए गए हो, तो आप दो गुड्स किन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, किन डिफरेंट जो है कि पॉसिबिलिटीज में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी को उन सेट्स को जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हम बना सकते हैं, उसी के हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है, इसी में ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। सेट क्या है, यहाँ पे क्लॉथ दिए हुए हैं और वीट दिए हुए हैं, दो कुछ दिए हुए हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब इसमें से है क्या कि एक सेट है 100 lakh tons किसका, कि वीट का, और फिर 0000 meters क्लॉथ का। दूसरा जो हमारा सेट है यह है 90 lakh tons वीट का, वाई दूसरे सेट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें 25,000 meters हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड सेट हमारा दिया हुआ है जिसमें हम 70 lakh ton वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वाई 50,000 meter हम क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब हमें रिसोर्सेज दिए गए, हमें टेक्नोलॉजी दी गई है, तो उसके हेल्प से हम कौन कौन सी ऐसे डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं कि हम कितना वीट प्रोड्यूस करेंगे, कितना क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे। तो जो ये इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है ए बी सी डी ई एफ जी के, जी हम हमने जो है 5 to 6 डिफरेंट डिफरेंट क्या किया है, सेट बनाया हुआ है, तो यही जो होते हैं ये सेट होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के। कि सेट ए क्या है कि 100 lakh tons जो है वीट, 0000 meter क्या है, क्लॉथ है। दूसरे में, दूसरे सेट में है, तीसरे सेट में सी डी ई, ऐसे ये डिफरेंट सेट है कि कौन कौन से गुड्स हम या कौन किन कॉम्बिनेशन में हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दैट इज पीपी शेड्यूल रेफर्स टू टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट अलग अलग हम इसको रखें, लेकिन अब इसको हम एक टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाने, जैसे कि हमने एक टेबुलर प्रेजेंटेशन इसका बनाया हुआ है यहाँ पे, तो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन अगर हम बनाते हैं कि मेक अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेल टुगेदर इट कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट that an economy can produce with given resources and available technology. तो यहाँ पे always ये हमारे जो different concept यहाँ हैं, दो concept हैं production possibility set और production possibility schedule. Be it very clear between the difference of production possibility set and production possibility schedule. This one is set only. This is the set only. And all these together are called production possibility schedule. नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड शेड्यूल देखिए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है,
graphical presentation of production possibility schedule is known as production possibility curve. And production possibility curve shows the various alternative combination of goods and services that an economy can produce when resources are all fully and efficiently employed. PPC shows the optimal combination of goods and services. यहाँ हमने क्या बताया कि फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. और यह ये शो करता है कि वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस कर सकती है, रिसोर्सेज आर ऑल फुल्ली एम्प्लॉयड एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. तो यहाँ पे रिसोर्सेज का सेंस क्या है, गिवन रिसोर्स रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में वो यूज करते हैं. यहाँ पे पीपीसी शोज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पीपीसी ऑलवेज ये शो करता है कि हम जो ऑप्टेन कर सकते हैं गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जिसको हम ऑप्टेन कर सकते हैं, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें जो गिवन सेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज दी है उससे हम कुछ ऐसे प्रोडक्शन कर पाएंगे जो पॉसिबल ही है. तो पीपीसी ऑलवेज उन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जिनको हम ऑप्टेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर. इसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ही कहते हैं. Because it shows the maximum possible production with the given resource and given technology. अब यहाँ पे जो obtainable combinations को show करता है, इस situation में हम क्या बताते हैं कि PPC को हम production possibility frontier या production possibility boundary कहते हैं. Frontier या boundary का sense क्या होता है, production या boundary या frontier का sense होता है कि last तक हम इस boundary से आगे नहीं जा सकते. तो कोई भी चीज जिनकी एक लिमिट दी गई होती है वो उस लिमिट से बाहर जाकर के वर्क नहीं कर सकता. तो वैसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कि गिवन रिसोर्सेस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी के हेल्प से जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये शो करता है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन इस सिचुएशन में नहीं किया जा सकता. दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. Because it indicates that if more of goods sets is to be produced, then factors of production will have to be withdrawn from the production of goods Y and transferred to the production of goods X. In other words, goods Y is transformed into goods X. Means, यहाँ ये क्या है कि जब हम दो ही goods produce कर सकते हैं, goods X and goods Y, and right now we are producing more of goods Y and less than more than goods X. अगर हमें goods X कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स वाई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें अगर गुड्स एक्स के ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गुड्स वाई जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें लगने वाले रिसोर्सेज को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, गुड्स एक्स में. तब जाकर के हम क्या करेंगे, गुड्स एक्स ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे. इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज गुड्स वाई के प्रोडक्शन में लग रहे थे उसको ट्रांसफॉर्म करके हम लगा दिए गुड्स एक्स में. यही ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है रिसोर्सेज को गुड्स एक्स वाई से गुड्स एक्स में. तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट शेड्यूल कर्व के बारे में. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है. अब ये हम देखते हैं कि ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यह इसके सर्टेन एजम्पशंस होते हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं, यह उसी लिमिटेशंस के अंदर ही वर्क करता है. इफ दैट लिमिटेशंस आर नॉट फॉलोड दिस लॉ देन नॉट होल्ड गुड. सो लेट्स सी व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के एजम्पशंस क्या हैं, देखें इन इकोनॉमिक्स whenever we are going to study certain theories in economics there is certain limitations. जब भी हम इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी किसी न किसी एजम्पशंस और लिमिटेशंस के अंडर ही वर्क करेगी. इफ दोज लिमिटेशंस एंड एजम्पशंस आर नॉट फॉलोड देन दैट थ्योरी दैट लॉ डज नॉट होल्ड गुड. तो इस सिचुएशन में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि कौन से एजम्पशंस कौन से लिमिटेशंस उस पर्टिकुलर थ्योरी पर दिए गए हैं उसको हमें प्रॉपर फॉलो करना होता है. अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो फिर वो लॉ हमारा वर्क नहीं करता है. तो ऐसे ही जो
लॉ है जो एजम्पशंस दिए गए हैं, एजम्पशंस अंडरलाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो एजम्पशंस है वो क्या है, इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा जब वर्क करता है तो यहाँ हम ये पहले मानते हैं कि कोई भी इकोनॉमी, चाहे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, मार्केट इकोनॉमी हो या फिक्स्ड इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी है वो सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इन गिवन इन दैट इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, गुड्स एक्स एंड वाई, मे बी इट्स गुड्स ए एंड बी, गुड्स बी एंड सी, बट इट इज फॉर एन एग्जांपलरी, गुड्स एक्स एंड वाई कैन बी प्रोड्यूस। अब गुड्स एक्स एंड वाई के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या हो सकते हैं, कोई भी टू डिफरेंट गुड्स हो सकते हैं, लाइक गन्स, गन एंड प्रोडक्ट्स, मेटल, शुगर केन हो सकता है, क्लॉथ एंड मशीन्स हो सकते हैं, और एनीथिंग, दो गुड्स के पॉसिबल, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है जो कंपनी पर, जो हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड, जो रिसोर्सेज हमें दिए गए होते हैं वह क्या होते हैं, इकोनॉमी में गिवन होते हैं, यानी आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे और वो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, मीन्स फिनिट इन नेचर के होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्कार्स होते हैं, तो ये रिसोर्सेज को हम जो प्रोडक्शन करना है वो बढ़ा नहीं सकते राइट नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए, एक रिसोर्सेज दिया गया उसी के अंदर वर्क करना है। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, अब रिसोर्सेज स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि गुड्स एक्स प्रोड्यूस करना है तो गुड्स एक्स ही उस रिसोर्स से प्रोड्यूस होगा, नहीं, उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस होता है, दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर। अब वहां पे यहां क्या होता है कि किसी एक गुड्स में लगने वाले रिसोर्सेज जो हैं वह किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में भी यूज किए जा सकते हैं, इसलिए रिसोर्सेज का स्पेसिफिक नहीं होते हैं, उनका वेरियस यूजेस होता है, एक गुड्स के प्रोडक्शन में भी यूज होंगे, उसी रिसोर्स को हम दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तभी हमारा यह लाभ बेहतर वर्क करता है। रिसोर्सेज आर फुल्ली इंप्लॉयड, अब हमें ये बताना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली इंप्लॉयड होते हैं, मीन्स उन रिसोर्सेज को भरपूर, उनका जो कंप्लीटली यूटिलाइजेशन होता है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किसी भी तरह से वेस्ट नहीं किए जाते हैं, एंड रिसोर्सेज आर नॉट लाइंग आइडल, ना ही रिसोर्सेज आइडल पड़े रहते हैं, जो कुछ भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हैं, चाहे वो हमारा जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, ये कभी भी आइडल नहीं पड़े होते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास गुड्स एन एंड गुड्स वाई के प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है वह फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट नहीं होगी। हाँ, टेक्नोलॉजी में यूजेस की वजह से वियर एंड टियर होंगे, बट देयर इज नो न्यू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दैट प्रोडक्शन, ये हम अंडरलाइन जो है कि हम एज्यूम करते हैं, जब करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन करना दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, हियर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हम इनपुट के तौर पर लगा रहे हैं उससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जितना इनपुट लगाएं उससे कम आउटपुट मिले, तो ये बेहतर यूटिलाइजेशन, जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये नहीं है, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ एन इनपुट, मीन्स एक वन यूनिट ऑफ इनपुट अगर हम उसमें लगा रहे हैं तो हाउ मच या हाउ मेनी इनपुट आप आउटपुट आप पर यूनिट वी गेन, तो कितना हम इसमें गेन करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है यह क्या है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यह है, इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसे, गिवन जो आपको हमने पहले ही शेड्यूल बताया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड शेड्यूल में, वही शेड्यूल यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और क्लॉथ मीटर्स में है या जिसको गुड्स वाई में इंडिकेट किया है, यह वीट है जो कि यहाँ पे लैग टाइम्स में है, तो यहाँ पे हमने जो है यूज किया है लैग टाइम्स में है, और गुड्स एक्स तो यहाँ पे 190 डिफरेंट है, तो यहाँ पे दिया क्या है पॉसिबिलिटी जो सेट ए है इसमें 0 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड 100 केजी ऑफ यहाँ पे लैग टाइम्स है, ये जो है प्रोडक्शन ऑफ वीट है, सेकेंड सेट में क्या 25 मीटर ऑफ क्लॉथ है, 90 लैग टाइम्स ऑफ जो है क्या है वीट है, थर्ड सेट में क्या है सेट सी में क्या है
जबकि उसी में 78,000 जो है प्रीफिक है सेफ्टी, ये अलग अलग सेफ्ट है। इसको यहाँ पे हमने गुड्स वाई को, अब हम इसको जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफ में हम लेते हैं ऑलवेज जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, यह ऑलवेज गुड्स वाई को इंडिकेट करती है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यह ऑलवेज गुड्स एक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ध्यान रखेंगे जब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप मैथ में पढ़े होंगे जो है कि ज्योमेट्री में, कि ये जो है कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो जो वर्टिकल लाइन्स होती है यह हमारी जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है यह हमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पर हमने जो है कि वेट को रिप्रेजेंट किया है। तो हियर अब हम ये देखें कि प्रोडक्शन हमारा किस तरह से इसमें हैपन हो रहा है। वेट लाख टन जो है वह हमारा यहाँ पर होगा, एंड क्लास जो हमने यह क्लास हमारे गुड्स वाई, अब यहाँ पे जो हमने यूज किया हुआ है कि सेट ए में क्या है, सेट ए में वीट के 100 लाख टन अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहीं पे हमारा क्या है क्लास जो है यह हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है यह जीरो मीटर, सॉरी दिस क्लास इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वीट इज ऑन वाई एक्सिस, थैंक यू सब मिस्टेकन। तो हियर क्लास जो है वह हमने एक्स एक्सिस पर रखा है और वीट जो है हमने क्या रखा है वाई एक्सिस पर रखा है। तो वीट हमारा जो वाई एक्सिस पर है, यहाँ हम वीट का देखते हैं जो फर्स्ट सेट है यह वाई एक्सिस पर फर्स्ट सेट है, इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने 100 लाख टन जो वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो हमारा 1000 मीटर पाथ का वो जीरो प्रोडक्शन है। तो दिस वन इज यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ये हमारा 100 लाख टन तो वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं और जीरो मीटर, तो यह हमारा क्या है ये हमारा सेट जो है ए पॉइंट है, सेट ए है। सेकंड सेट में हमने क्या किया कि जब हमें क्लास का प्रोडक्शन करना होगा तो इस सिचुएशन में क्लास के प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हमें वीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। वीट के प्रोडक्शन को जब हम यहाँ पे हियर 90 हम यूज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जब 90 लाख टन टन पर यूज कर रहे हैं तब जा करके कि हमारा क्या है 25, यह हमारा जो है 25 जो है यूनिट हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये हमारा 90 है तो यहाँ पे कर रहे हैं, अब हम 90 यूनिट्स लेकर के आए। दूसरा हमें तब हम इसमें प्रोडक्शन कर पा रहे हैं 25,000 मीटर्स क्लास का जब हम अपने वीट के प्रोडक्शन को क्या किए कर दिए, तो वीट का प्रोडक्शन हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो यहाँ ये वीट का प्रोडक्शन यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 25 यूनिट था, यह हमारा क्या हो गया 25 यूनिट। तो ये हम 25,000 मीटर्स क्लास का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगेन जब हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं क्लास का 50,000 मीटर्स क्लास का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें आगे जो वेट का प्रोडक्शन है वह मिनिमाइज करके ला रहा है 70 लाख टन पे। तो ये जो है हम 70 लाख टन पे कभी ला पा रहे हैं कि जब हम इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट क्या है, सेट ए यह रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को, ये रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को, और सेट सी ये देख रहे हैं 70 हम जो है कि क्लास को 50,000 मीटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमारा 70 लाख टन जो है प्रोडक्शन हो रहा है किसका वेट का, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा यह सेट सी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे में सेट
ई क्या है? सेट ई में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉरी सेट बी में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 68,000, यानी कि हम 68,000 लाख टन स्पीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉरी 68,000 हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मीटर स्क्वायर का, तो 40,000 हम क्या कर रहे हैं, 40 लाख टन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट का। तो यह जो हमारा पॉइंट है यह क्या है, डी है, जहां पे हम इससे ये डिफरेंट क्या है, पॉसिबिलिटी है, यही सेट है प्रोडक्शन के, क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है, सेट ए सेट बी सेट सी या सेट डी, जो कि हमारे इस क्या है लाइन पर बन रहे हैं। अगेन हम इसी में देखें सेट ई क्या है, कि सेट ई में हम 78,000 मीटर स्क्वायर को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें इसकी मिनिमाइज करना पड़ रहा है, क्या हमें अपने गुड्स जो वीट का प्रोडक्शन करना लाख टन में, वह मिनिमाइज करके हमें करना पड़ रहा है 10 लाख टन, उस सिचुएशन में यह हमारा क्या हो रहा है, यही हमारा पॉइंट ई है। तो अब इसके बाद से जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमें मिनिमाइज कर रहे हैं कि हमें क्लॉथ ही प्रोडक्शन करना है, वीट की जरूरत नहीं है, तब हम 0 लाख टन वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 80,000 मीटर्स हम जो है कि क्लॉथ का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और यह ही हमारा क्या है पॉइंट, यह हमारा क्या है पॉइंट एफ है। इस सिचुएशन में अब यह हम देखते हैं कि यह जो लाइन ये जो कर्व बना हुआ है, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन है, ये क्लॉथ का, जैसे ही हम वीट का प्रोडक्शन मिनिमाइज कर रहे हैं क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा, मींस हमने वीट के प्रोडक्शन को कम किया, तो यह हमारा क्लॉथ का प्रोडक्शन आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो यही हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइन इसको क्यों करते हैं, क्योंकि गुड्स वीट के प्रोडक्शन में लगने वाले जो रॉ मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं उसको हम यहाँ से हटा करके इंक्लूड कर रहे हैं क्लॉथ के लिए, तब हम क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लॉथ के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे वैसे वैसे हमें वीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ये तो हमने बताया कि अब यहाँ पे जो कर्व है यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं, या इसी को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट और है, पॉइंट जी है, जहाँ पे ये 0.105, यानी कि अगर हम 105,000 मीटर अगर हम प्रोडक्शन करना चाहें फीड का, तो यह पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेस है उसमें हम मैक्सिमम हम 80,000 मीटर्स क्लॉथ ही हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम 80,000 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 0 लाख टन में वीट का प्रोडक्शन मिलेगा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर हम 100 लाख टन वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें 0,000 मीटर क्लॉथ के प्रोडक्शन मिलेंगे। इसलिए इस पॉइंट के इस बार यह जो कर्व है इसके बाहर आने वाले किसी भी पॉइंट कोई भी पॉइंट जो होगा यह अनऑप्टेनेबल होगा, मींस इस बाउंड्री के बाहर आने वाली कोई भी पॉइंट हम ये पॉइंट जो है इसमें कोई भी हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेम में यह क्या इस पर ही अब इस कर्व पर जितने भी प्रोडक्शन होंगे यह प्रोडक्शन हमारे क्या होंगे अपने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास दिए गए हैं उसका हम फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे, तो हमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। इससे बाहर का अगर सोच करके हम 105 लाख टन स्पीड का 105,000 मीटर क्रॉस का 45 लाख टन स्पीड का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारी कैपेसिटी से क्या है बाहर है। अगेन यहाँ पे यह जो पॉइंट एच है, यह पॉइंट जो एच है, इस पॉइंट में यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे हम 45,000 मीटर का प्रोडक्शन, यह पॉइंट जो है यह हो रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि क्या है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे हम जो रिसोर्सेस हम इंप्लॉयड कर रहे हैं उसका हम एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट करता है कि हम जो हमारी कैपेसिटी है जो हमें रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दिए गए हैं उससे बाहर जाकर के प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और अगर उसके अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो ये रिसोर्सेस हमारे फुल्ली इंप्लॉयड नहीं होते हैं। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है यह मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है कि जो डिफरेंट गुड्स का मुख्य काम जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं।
हम बाहर प्रोडक्शन करना चाहें तो यह अनऑप्टेनेबल होता है, जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि हम इस रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाएं या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट न करें। यहाँ ये सिचुएशन आती है कि कब हम गिवन रिसोर्सेज से ही या गिवन टेक्नोलॉजी से ही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो यह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कब यह हमारा जो कर्व है कब यह अपवर्ड शिफ्ट होगा, कब यह इनवर्ड शिफ्ट होगा, कब यह जो है कि रोटेट करेगा अपवर्ड की तरफ, कब यह रोटेट करेगा डाउनवर्ड की तरफ। ये जो है कि हम डिफरेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हमने यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बताया कि जिसको क्यों हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, क्योंकि यह डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इसको बताता है। इसको प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि इस कर्व से, इस फ्रंटियर से मैक्सिमम बाहर जाकर प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम वीट के प्रोडक्शन को हम यहाँ कर रहे हैं, अगर हमें क्लास के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वीट के प्रोडक्शन में लगने वाले रिसोर्सेज को यहाँ से उठा करके हम क्लास के प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो यहाँ क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया हम अपने रिसोर्सेज को गुड्स या वीट से लेकर के किसमें क्लास में। तो इस सिचुएशन में हमारा यहाँ क्या होगा, ट्रांसफॉर्म कर गया रिसोर्सेज, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह हमने बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ क्या है प्रॉपर्टीज है, हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे जो फीचर्स दिए गए हैं, ये फीचर्स में हम देखते हैं कि टू फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो फीचर्स हैं वो क्या, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है कि पीपीसी हमारा डाउनवर्ड स्लोप्स होता है, मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज अंडर कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज production of one good can be increased only after sacrificing production of some quantity of other goods. It is so because resources are scarce due to this production of both goods cannot be increased at the same time that joint PPC slopes downward. तो यहाँ पे PPC का slope क्या होता है, downward होता है। तो यह हमने बताया कि इसके features जो है PPC का slope downward क्यों होता है। तो यहाँ पे जब हमने बताया कि यहाँ पे एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब भी हमें यहाँ तो ये गुड्स, अगर ये गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को अगर हमें बढ़ाना है तो गुड्स वाई के प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, उस पर लगने वाले रिसोर्सेज को गुड्स एक्स पर हम एम्प्लॉय करेंगे, तभी जा करके हम इसको क्या कर पाएंगे, गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से, तो ये ऐसे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ये कभी अपवर्ड की तरफ नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये स्लोप जो होता है ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। दूसरा जो इसका फीचर है कि पीपीसी इज कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन, यहां पे ये देखो ये कभी भी इस तरह से नहीं बनेगा, ये जब भी पीपीसी के कर्व बनेंगे तो ये इस नेम बनेंगे, दैट इज कॉनकेव नेचर। इसके पीछे रीजन क्या है कि स्लोप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, जब भी हम गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमें गुड्स वाई के प्रोडक्शन में लगने वाले रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा, तो जब कम करेंगे तो ऑलवेज यहाँ से यूज होगा तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से यूज होने वाला यहाँ जाएगा, तो ये ऑलवेज इस वे में बनेगा। तो इसलिए जब भी हम इसकी बात करें कि जब भी हम इसकी बात करें कि ये हमारा कैसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो हम ये बता रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपना कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन होता है। ओरिजिन कॉनकेव का सेंस क्या है कि यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले जो गुड्स हैं और ये गुड्स हैं, दो गुड्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये गुड्स पहले प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स, ये प्रोडक्शन हमारा हो रहा है एक्स का और ये कर रहे हैं वाई का। अब यहाँ पे जब हम पहले जो प्रोडक्शन कर रहे हैं यह हम तभी कर पा रहे हैं कि जब हमारा क्या है एक रिसोर्स, दूसरे टाइम में हम प्रोडक्शन तभी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि यहाँ अगेन अगर हम करते हैं तो ये इस तरह से, तो जो
जो हमारा कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये कर्व ऑलवेज क्या होता है, कॉनकेव। ऑलवेज क्या होगा, कॉनकेव बनेगा। और अगेन अब यह स्लोप डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है इससे जब आगे बढ़े तो थोड़ा नीचे आ रहा है, यहाँ से जब ये और इसमें रिडक्शन कर रहा है उसमें इंक्रीमेंट करके तो थोड़ा और नीचे आ रहा है। तो इस तरह से यह जो कर्व हमारा बनेगा यह कुछ इसी तरह से बनेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन कॉस्मेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वह डाउनवर्ड की तरफ जाता है और यह कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन होता है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। प्रोडक्शन कॉस्मेटिक कर्व के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्मेटिक कर्व जो होता है इसमें शिफ्टिंग या रोटेशन कब होता है, व्हेन ये गोज टू शिफ्ट एंड व्हेन इट रोटेट्स। तो ये हम शिफ्टिंग एंड रोटेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें अभी हम हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारे वीडियो नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन विद दिस रिगार्डिंग दिस वीडियो फील फ्री टू आस्क मी थ्रू गूगल क्लासरूम। आल्सो ट्राई टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ योर बुक अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्मेटिक कर्व एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस लेसन विल बी सेंड टू यू इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।